नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पंकज जायसवाल, कॉमर्स FR। कल से थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 6 की एक्सटर्नल एग्जाम शुरू हो रही है और ये TY बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लास्ट सेमेस्टर की एग्जाम है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से और ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन AGSU की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आपका ये एग्जाम सबसे बेहतर हो ऐसा हम उम्मीद करते हैं। कल जो बिजनेस लॉ का पेपर है उसके लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रेगुलर लेक्चर्स जो फैकल्टी में प्रोफेसर और लेक्चरर्स के द्वारा जो पढ़ाया गया है और जिस टॉपिक को ज़्यादा मतलब कि उनको बताने में आए स्टूडेंट्स को कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं ये प्रिफेयर करें, तो मैं आप सभी को बता दूं। और पास्ट ईयर्स के जो पेपर्स हैं उसमें भी बार बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और स्टूडेंट्स इसको अगर वो लोग रिविज़न करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एग्ज़ाम में हेल्प ज़रूर मिलेगी। फर्स्ट हम बात करेंगे यूनिट 1 में, तो क्वेश्चन है प्रॉमिसरी नोट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सेल जो आने की संभावना है इस क्वेश्चन की। और यूनिट 2 में हम बात करेंगे, तो फर्स्ट है डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और सेकंड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिड्यूसल कमीशन। ये यूनिट 2 के थे दो टॉपिक्स। यूनिट 3 की हम बात करेंगे, तो फर्स्ट है कैरेक्टरिस्ट ऑफ कंपनी और सेकंड है टाइप्स ऑफ कंपनी। अब हम यूनिट 4 की बात करेंगे, तो फर्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन LLP और सेकंड है प्राइवेट कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। तो ये चारों चार यूनिट के जो प्रैक्टिस टॉपिक्स थे और जो मतलब कि पास्ट ईयर्स के बेसिस के हिसाब से जो पेपर्स थे जो बार बार क्वेश्चंस पूछे गए, तो ये मैंने स्टूडेंट्स को बताया। स्टूडेंट्स अगर ये करें तो शायद कल के पेपर में कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिल जाए जो आने की संभावना है। और सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से और AGSU की टीम की तरफ से विशिंग यू ऑल द बेस्ट।